टिकटॉक का दिमाग हो गया है खराब। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और प्रत्येक दिन 4-5 वीडियो अपलोड करता है। लगातार मैं देखा हूँ, उस यूजर का एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। आज के वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आज के वीडियो में दो दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप 100% वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अब वीडियो को लास्ट में मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, वीडियो को मैंने इसी प्रकार वायरल किया हूँ। आपको क्या करना है और कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारा तरीका बताने वाला हूँ। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगा जो 24 से 48 घंटे के अंदर में मिलियंस में लाइक गए होते हैं। जैसा कि ये वीडियो 3 दिन पहले अपलोड हुआ था, 1.5 मिलियन लाइक्स आ चुका है। व्यूज की बात किया जाए तो यहाँ पे 15 मिलियन व्यूज आ चुका है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। सेम इसी प्रकार वीडियो को आपको एडिट करना है काइन मास्टर अप्लीकेशन से। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है यूज दिस साउंड का, इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप गैलरी में आ जाएंगे। वीडियो आपको 15 सेकेंड्स के आसपास है तो 15 सेकेंड पे ही रहने देना, यदि आपको 15 सेकेंड से ज़्यादा का है तो यहाँ पे 60 सेकेंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, अपलोड पे क्लिक करना है और इसके बाद जो आपने वीडियो को एडिट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वॉल्यूम पे आना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ओरिजिनल साउंड है इसे आपको सिंपल 0 कर देना है और यहाँ पे आपको जो साउंड है इस साउंड को आपको 200 कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग लगाना है, तो आप फर्स्ट हैशटैग जो वर्क कर रहा है वो लगा देना है, सेकेंड हैशटैग में टिकटॉक इंडिया लगा देना है, इसके बाद थर्ड नंबर में फॉर यू और फोर्थ नंबर में मैं आपको लगा देता हूँ फॉर यू पेज, 5 नंबर में लगा देता हूँ ट्रेंडिंग। इस प्रकार के आपको हैशटैग लगाकर वीडियो को पोस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे 4 से 5 घंटे के आसपास वेट कर लेना है। इस वीडियो पे व्यूज आता है या नहीं आता है वो आपको देखना है। यदि व्यूज नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले वीडियो पे, और इस वीडियो को सिंपल यहाँ एक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव वीडियो पे, इस सेव वीडियो पे क्लिक कर लेना है और इस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपल। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेकेंड वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों वीडियो को डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड आपको कर देना है, जितने सेकेंड का आपका वीडियो है उतने सेकेंड का कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने जो टिकटॉक पे वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार आपको करना है। सिंपल इस वीडियो को इस तरह से जूम कर लेना है और सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। ऊपर के साइड जो है आपको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद आपको जो वीडियो को आपको टिकटॉक से डाउनलोड किए थे उस फर्स्ट वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आपको जूम कर सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इस ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, इस तरह से जूम कर लेना है और इसे आपको इस तरह से ऊपर आपको एडजस्ट कर देना है। इस पर आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद डन करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लाइक का मैं सिंबल भी दे देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है और इसे आपको इस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। इसका कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, कलर आपको यहाँ पे बोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद डन कर देते हैं। इसको आप वीडियो को जितना बड़ा वीडियो है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें टेक्स्ट पे आना है, इस तरह से इसे आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है।
कलर फाउंड पे आता है, पहले इसे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसे हम बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। लास्ट का पार्ट जब जितने सेकेंड का वीडियो है उतने सेकेंड का आपको बैकग्राउंड रहना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, 0 लाइक 1 मिलियन लाइक। और इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, और यहाँ सेटिंग पे शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको सेम उसी प्रकार जो वीडियो आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए किए थे, इसी तो प्रकार आपको सेकेंड वीडियो को भी अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया आपका, यहाँ आपको टिकटॉक अकाउंट आपको फ्रीज है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करते थे अकाउंट आपका अनफ्रीज भी हो जाएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट तरीका इस तरह से आपको करना है, सेकेंड तरीका आपको क्या करना है, फिर से हमें कैनवास्ट अप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, फिर से हमें लेयर पे आना है, फिर से हमें मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग वन पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो को डाउनलोड किया था फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट भी के वीडियो को सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आपने डाउनलोड किया था टिकटॉक पे, उसे आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद ऊपर कर देना है। इसके बाद इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, आपको सिंपल ऊपर लिख देना है बेस्ट 18, क्या मैंने सिंपल उससे आपको इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसको हमें फुल साइज कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, इसको आप टेक्स्ट पे आएंगे, फिर से ए हम कर देंगे, यहाँ पे लिख देना ए, फिर से हम इस पे वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसे हमें फुल साइज कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे आएंगे, इसके बाद ए वाले भी फिर से क्लिक करेंगे, एडिट पे आ जाएंगे, फिर से हम इसे बी कर देना है। इसके बाद इस पे पकड़ कर आना है, इसे आपको यहाँ पे सेट कर देना है। आपको कोई भी इसको इस वीडियो को आप करना क्या है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और इस वीडियो को सेम साउंड पे भी उसी प्रकार वीडियो को अपलोड करना है। लेकिन वीडियो में आपको 4 से 5 घंटा के गैप होना चाहिए, तभी आपका वीडियो यहाँ पे वायरल हो सकता है। इसके बाद डन करना है। चलो मैं आपको वीडियो में आप लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो मैं वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ, सेम मैं उसी प्रकार में अपलोड किया था वीडियो, देख सकते हैं 0 लाइक 1 मिलियन लाइक। यहाँ पे मेरा लाइक भी आ चुका था, 3270 लाइक आ चुका था। इसके बाद व्यूज की बात किया था, इस वीडियो पे व्यूज आ गए थे हमारे 36,000 के आसपास आ चुके थे। तो देख सकते हैं अगर इस तरह से अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। आपका टिकटॉक अकाउंट आपको फ्री है तो अनफ्रीज भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।